मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कपिल शर्मा ने दिल्ली में रखा तीसरा रिसेप्शन। साल 2018 के अंत में कपिल ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी चतरथ के साथ दो रीति रिवाजों में शादी कर ली थी। गिनी से शादी के बाद कपिल ने मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी किया था। अब खबर ये है कि कपिल और गिनी ने दिल्ली में भी एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया है। सोशल मीडिया पर कपिल की इस पार्टी का कार्ड वायरल हो रहा है। सामने आए कार्ड में रिसेप्शन पार्टी की डेट 2 फरवरी और वेन्यू दिल्ली लिखा हुआ है। खबरों की माने तो इस पार्टी में पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। अर्शी खान ने लॉन्च किया द आइकॉनिक कैलेंडर 2019। बिग बॉस 11 में सबसे बड़ी मनोरंजनकर्ता अर्शी खान ने द आइकॉनिक कैलेंडर 2019 लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ उपस्थित थे सब्यसाची सतपति, रैपर आकाश डडलानी, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के सीईओ मोहम्मद नगमान लतीफ और कई अन्य सितारे भी शामिल हुए। दिल्ली में होगा जश्न-ए-अदब, शामिल होगी कई बड़ी हस्तियां। देश की कला संस्कृति को लेकर होने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक जश्न-ए-अदब 1 मार्च 2019 से शुरू हो रहा है। उर्दू शायर और जश्न-ए-अदब के संस्थापक कुंवर रंजीत चौहान साहब ने इस उत्सव के माध्यम से साझी विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों, गंगा जमुनी तहजीब और परंपराओं को युवा पीढ़ी से रूबरू कराने का एक ईमानदार प्रयास किया है, जिससे आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दूर जा रही है। इस बार और भी बड़ा और भी भव्य जश्न-ए-अदब का महाकुंभ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामिया हमदर्द में 1, 2 और 3 मार्च को आयोजित हो रहा है। साहित्य प्रेमी ये जान लें कि जश्न-ए-अदब का ये महाकुंभ साल में 2 बार होता है। मुंबई में साक्षरता कार्यक्रम में शामिल हुई कई बॉलीवुड हस्तियां। पेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी और टीच फॉर चेंज एक गैर लाभकारी संस्था है जो बच्चों में अंग्रेजी भाषा और नेतृत्व कौशल विकसित कर रही है। इसने संयुक्त रूप से लाखों लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने साक्षरता कार्यक्रम के राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन, राज्यसभा की सदस्य रेणुका चौधरी, संसद सदस्य मुनमुन सेन, राजनेता गीता रेड्डी, पद्मश्री राजीव मोहन बाबू जैसे कई नामचीन लोग शामिल हुए और फैशन इंडस्ट्री जिसमें अदिति राव हैदरी, सुनील सेठी, तापसी पन्नू, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, रेजिना कैसेंड्रा, सूरज पांचोली, कुबरा सैद आदि भी शामिल हुए। पटियाला बेब्स की टीम ने मनाया सफलता का जश्न। अनिरुद्ध दवे पटियाला बेब के निर्माता और लेखक को उनकी भूमिका के लिए पर्याप्त धन्यवाद देते हैं। उन्हें खूब वाहवाही मिल रही है, दुनिया भर में लोग अनिरुद्ध की तारीफ कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर वो कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, हर दिन मुझे शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोग हनुमान सिंह को प्यार कर रहे हैं। पटियाला बेब्स बाकी लोगों से अलग है, मैंने हमेशा उच्च प्रदर्शन आधारित भूमिकाएं करने की कोशिश की है। अभी मुझे यकीन है कि भारतीय टेलीविजन पर दर्जनों पुलिस इंस्पेक्टरों की भूमिका है, लेकिन हनुमान सिंह की बारीकियां और बॉडी लैंग्वेज अलग है। ये शो विदेशों में भी 7-8 देशों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग फोरम में चर्चा अधिक है। इस शो को बनाने के लिए मैं लेखिका और निर्माता रांजेता शर्मा का शुक्रगुजार हूँ। कुंडली भाग्य की एक्ट्रेस ने बीच पर किया एंजॉय। टीवी शो कुंडली भाग्य की सृष्टि अरोड़ा यानी अंजुल फकी अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से चर्चा में है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर क्रैबी वैकेशन की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। वो बीच के किनारे रिलैक्स मूड में दिखाई दे रही हैं। अंजुम की बिकनी फोटोज वायरल हैं। येलो बिकनी में समंदर किनारे आराम करती अंजुम का स्वैग देखते ही बनता है। बता दें, अंजुम रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंजुम घर से भाग गई थी। एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। सपनों को पूरा करने के लिए अंजुम ने कड़ी मेहनत की। आज वो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने टीवी पर कई शोज किए हैं जिनमें देवांशी, तेरे शहर में और एक था राजा एक थी रानी शामिल हैं। लेकिन अंजुम को असली पॉपुलैरिटी सीरियल कुंडली भाग्य से मिली। शो में श्रद्धा आर्या संग उनकी बॉन्डिंग काफी पसंद की जाती है। अंजुम का शो में चुलबुला किरदार है। गोवा में हनीमून पर रोडीज फेम रघुराम। न्यूली वेड कपल रघु राम अपनी पत्नी नताली डी लूसिया के साथ गोवा में मिनी हनीमून पर हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। रघु राम ने तस्वीर शेयर करते हुए रोमांटिक कैप्शन लिखा है, जब भी हम साथ में ट्रेवल करते हैं वो मिनी हनीमून होता है, तुम हमेशा मेरी ब्राइड रहोगी। कपल ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें उनकी केमिस्ट्री साफ नजर आती है। दोनों ने रोमांटिक पोज भी दिए हैं। मालूम हो कि ये रघु की दूसरी शादी है। रघु ने पहली शादी सुगंधा गर्ग से की थी, मगर 2016 में दोनों अलग हो गए थे। उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ था। शादी के बाद भी रघु राम और सुगंधा अच्छे दोस्त हैं। अपनी दूसरी शादी और नताली के बारे में रघु ने सबसे पहले सुगंधा को ही बताया था।
इस हॉलीवुड स्टार से हुई धर्मेंद्र के पोते की तुलना। बॉबी डियोल ने अपने जन्मदिन के मौके पर बेटे आर्यमन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में बॉबी ने 50वें जन्मदिन की खुशियों के साथ एक खास संदेश लिखा। बॉबी के बेटे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर के सामने आने के बाद एक ही चर्चा है कि बॉबी डियोल के बाद उनके बेटे आर्यमन की बॉलीवुड में कब एंट्री हो रही है। बॉबी डियोल के बेटे आर्यमन की उम्र अभी 17 साल है। आर्यमन को फैंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। किसी ने उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का यंग वर्जन बताया तो किसी ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज से उनकी तुलना की। वैसे आर्यमन मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, अभी वो पढ़ाई में बिजी हैं। आर्यमन ने पब्लिक इवेंट में पहली बार अपनी अपीयरेंस आईफा 2018 अवार्ड शो में दी थी। बेहद क्यूट है सनी लियोनी के बच्चे। एक्ट्रेस सनी लियोन को मुंबई एयरपोर्ट पर अपने जुड़वा बच्चों के साथ स्पॉट किया गया। एक बच्चे को उन्होंने गोद में पकड़ा हुआ था, वहीं दूसरा बच्चा नैनी के पास था। सनी ने डार्क ग्रीन बॉम्बर जैकेट के साथ मैचिंग पैंट पहनी थी। मिनिमल मेकअप, गोल्डन स्नीकर और पोनी टेल ने उनके लुक को कम्प्लीट किया है। उनके बेटे ने ब्लू कलर की जैकेट और पैंट पहनी है। सनी लियोन के बेटे की क्लोजअप फोटो सामने आई है। कैमरे के फ्लैश को देखकर लिटिल बॉय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। वो काफी क्यूट लग रहा है। वहीं उनके दूसरे बेटे ने ग्रे कलर की जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी है। सनी लियोन के दोनों बेटे क्यूट दिखते हैं। एक्ट्रेस पति और बच्चों के साथ तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।